बिहार में नल जल योजना के तहत लोगों को नहीं मिल रहा पानी। इस भीषण गर्मी में पानी न मिलने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मुख्यमंत्री सात निश्चय के तहत नल जल योजना महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिलता है। प्रखंड के धर्मपुर जाफर पंचायत स्थित गोसी अमनोर गांव के वार्ड नंबर 12 में विगत कई माह से नल जल का पानी नहीं टपक रहा, जिससे भीषण गर्मी में ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। भीषण गर्मी में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा तो नाराज ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया के विरुद्ध प्रदर्शन कर दिया। महिला से लेकर पुरुषों तक विरोध जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नल लगे हुए हैं, 5 वर्ष बीत गए लेकिन अभी तक नल से पानी नहीं आ रहा। हम लोग बस्ती में रहने वाले गरीब असहाय लोग हैं, पैसों के अभाव में चापाकल नहीं लगा सकता, वहीं गर्मी में दूर दूर से पानी लाकर पीने को मजबूर है। आसपास के गांव में नल जल से पानी मिलता है पर यहां नहीं, जिसको लेकर लोग परेशान है। सरकार चाहे लाख दावा कर ले लेकिन नल जल योजना के तहत घर घर पानी पीने नहीं पहुंच रहा। वहीं नल जल की टंकी तो लगा है लेकिन नल में पानी नहीं पहुंच रहा। लोग टकटकी लगा बैठे हैं कि कब नल से पानी निकलेगा। इस संबंध में वार्ड सदस्य मनीष कुमार मलाकार का कहना है कि नल जल के काम मुखिया जी के माध्यम से हुआ, वहीं दबंग को आगे रख आधा अधूरा कार्य कराया गया, वहीं पैसा बंदरबांट का आरोप लगाया है। इन्होंने कहा कि जब से काम हुआ है तभी से अभी तक नल से पानी नहीं आ रहा। कई बार पीआरओ से शिकायत किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या समस्या है धर्मपुर जाफर पंचायत के वार्ड नंबर 12 में? जाफर पंचायत में यही समस्या है कि हमारे पंचायत के वार्ड का काम मुखिया जी अपने स्तर से कराए हैं। हम अपना काम अपने से कराने वाले थे लेकिन मुखिया जी बोले कि आपसे नहीं हो पाएगा, कि आपसे हम एक आप एक कराइएगा, हम 10 करवा रहे हैं कि हम आशा से करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बोले कि ना हम अपना से करवाएंगे अपना काम, लेकिन वो गांव के 2-4 को दबंग को हमारे घर पे भेज के डेली बोले कि नहीं आप अपना काम उसको मुखिया जी को दे दो। तब हम जबरदस्ती बोले तो हम दे दिए उनको, और उसके बाद वो कहा कि हमारा काम करवाएं। और जब से काम करवाएं तब से हमारे गाँव में पानी नहीं आ रहा है। रोड पर पानी उनके घर के सामने आ रहा है, उसके बाद हमारे गाँव में नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बोलने से मुखिया जी हमेशा बोल रहे हैं, 6 साल से बोल रहे हैं कि आज बनवा देंगे कल बनवा देंगे, और डेली यही बोल रहे हैं। आज तक अभी तक पानी का समस्या दूर नहीं हमारे गांव में। इसकी लिखित शिकायत आपने कहीं किया? हाँ, इसकी लिखित शिकायत हमने बीपीआरओ सर को भी दिया, जिस दिन बीपीआरओ सर ने ज्वाइन किया था उसे 2-4 दिन बाद दिए थे, लेकिन अभी तक वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसके मामले में। वो बोल रहे हैं कि हम कुछ करते हैं, मतलब कोई काम हम उससे नहीं होगा। मुखिया जय से बोले, जय पंचायत सचिव सबसे हम बोल के थक गए हैं। मुखिया बोलता है कि हमेशा कि हम आज करा देंगे, बिहान करते ऐसे करते 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 6 साल बीत गया, लेकिन ठंडी में पानी आ जाता है यहाँ और गर्मी होता है तो पानी नहीं आता है कभी भी। और 6 साल से बोलते बोलते हम थक गए हैं मुखिया से। अब मुखिया बोल रहा है कि हम नहीं कराएंगे, जबकि स्टेप बोला कि हमसे यहाँ एक चेक वॉल लगवाओ, कटवा के देखवाओ पाइप को कि यहाँ कहाँ प्रॉब्लम है पाइप में, सब करवा के देख लिए। बोला कि समरसेबुल में पाइप डलवा दूंगा, वो भी करवा के देख लिए, जेई भी बोला और पंचायत सचिव मुखिया तीनों बोला। तब हमने सब काम करवा के देख लिया, उसके बाद भी बोला कि हम काम करवा देंगे। मिस्त्री से बोला, मिस्त्री बोला, मिस्त्री को बुला के हमने अथी चेक करवाया सबको, उसका क्या क्या सामान लगेगा सब लिखवा के, और जेसीबी का भी काम अथी बोल दिया कि जेसीबी 1200 रुपये घंटा काम करेगा के। और उसके बाद भी मुखिया अभी तक कोई अथी नहीं दिया है कि कब होगा क्या होगा। जब बोलते हैं तो बोलता है 2-4 दिन में हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कौन सा पंचायत है आपका? धर्मपुर जाफर। मुखिया जी का नाम हुआ संजय शाह। आपका क्या नाम हुआ? मनीष कुमार। आप क्या है? वार्ड नंबर 12 का।